हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सर समीकरण का प्रयोग करके इन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को लगाने के पहले आपको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला फार्मूला हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रेकेट में a प्लस बी। अब देखिए a माइनस बी, अगर आपको पहला याद हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस लगा देना है प्लस वाले की जगह पर। तो ये दोनों फार्मूले आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इन पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है 99 की पावर 3 का, इसको मान बताना सर्व समीका का प्रयोग करके। क्लास 9th में कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको अगर हम पूछें आप 10 का 3 बार और 9 का 3 बार करने में आसानी सबसे ज्यादा पहले कौन सी होगी आपको, तो देखिए 1 के पीछे 3 जीरो लगा देंगे आप तुरंत हो जाएगा, और 9 का गुणा करेंगे 3 बार तो थोड़ा कठिन पड़ेगा। अगर 99 का 3 बार गुणा करना पड़ेगा तो और कठिन पड़ेगा ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा आसान करके लगाएंगे। तो देखिए कैसे आसान कर सकते हैं हम, अगर हम 100 माइनस 1 कर दें तब भी वही बात होगी ना, 99 ही होगा ना। तो अगर हम इसका मान निकाल देते हैं तो वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने 99 को क्या किया, 100 माइनस 1 कर दिया है। अब हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा हमारा, यही लगेगा a माइनस बी की पावर होल क्यूब, यही लगेगा। तो यहाँ पे देखिए a हमारा क्या है, 100 है, और माइनस बी हमारा 1 है। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला हमारा है ए क्यूब, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 100 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस 3ab फार्मूला में है। तो यहाँ पे 3 गुड़े 100 हो जाएगा गुड़े बी हो जाएगा, ब्रेकेट में ए बी है, ए माइनस बी है, तो 100 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसका 3 बार गुणा करेंगे तो हमको क्या करना है, 0 2 बार बढ़ा देंगे। तो देखिए 3 की पावर है तो 2 जीरो लिख दी हमने, इसके बाद देखिए 2 जीरो और बढ़ा देंगे, इसके बाद 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब देखिए 1 की जो होगा तो वही होगा। अब देखिए 300 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 300, अब यहाँ पे गुणा करेंगे 100 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 99। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए हम माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं तो वहां पे हो जाएगा 6 जीरो लिख देंगे यहाँ पे हम, 2 2 2। हाँ अब देखिए इसको माइनस 1 और माइनस ए जो 29,700 इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 29,701 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम इसको घटाएंगे तो जो हमारा आएगा 97,0,299 हमारा यही आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा, देखिए दूसरा हमारा क्या है, 102 की पावर दिया है क्यूब। तो देखिए इसमें हमको क्या आसानी होगी, 100 प्लस 2 करने में हमको आसानी होगी। तो देखिए हमारा जो दिया है 102 को हम कैसे निकालेंगे, इसका 102 की पावर 3 दिया तो हमको निकालना इसका मान। तो देखिए इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं 100 प्लस 2। तो फ्रेंड्स आप हमेशा 10 मतलब 100 प्लस जो भी जैसे नजदीक मतलब 10 की मतलब बढ़ाकर आप लीजिएगा जिससे आपको लगाने में आसानी होगा। दिया हो 12 तो आप 10 प्लस 2 कर लीजिएगा, अगर दिया 9 तो 10 माइनस 1 कर लीजिएगा, तो इस प्रकार आप लगाइएगा। तो यहाँ पे दिया है 102 तो हमने कर दिया 100 प्लस 2 की पावर 3 कर देंगे। अब देखिए 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे ab वहां पे है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और b के स्थान पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे है a प्लस बी तो 100 प्लस 2 हो जाएगा। अब इन सब का हमको गुणा कर देना तो यहाँ पे इसके पीछे 6 जीरो हो जाएगा, अब 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 तो प्लस 600 हो जाएगा और गुड़े अंदर 102 हो जाएगा। अब इन सबको गुणा करके हम जोड़ देंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए इन तीनों को हमको जोड़ने के बाद हमारा यही आंसर आएगा 10, 61, 208, तो हमारा यही आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपको 100 अगर आता है, 100 करके लगभग 100 के पास में आता है तो आप 100 प्लस करके ऐसे 100 माइनस करके आप लगाएंगे। अगर 1000 के पास आएगा तो वहां पे 1000 प्लस माइनस करके इसे 999 का आ गया निकालने के लिए, तो 1000 माइनस 1 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। इस प्रकार आप लगाएंगे, इस सवाल को ऐसे सर्वसमिका का प्रयोग करके यहाँ पे लगाया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो 1000 के आसपास है।
तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 998 की पावर क्यूब का हमको निकालना है। तो ना अब हम यहाँ से देखते हैं 998 की पावर 3 का मान हमको यहाँ पे निकालना है सरसमिका का प्रयोग करके। तो देखिए हम यहाँ पे 1000 के पास है ना, तो 1000 माइनस 2 कर देंगे, इसकी पावर 3 कर देंगे। आप देखिए हम इसको लगाएंगे a माइनस बी के होल क्यूब के फार्मूले से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा a फार्मूला एक बार हम लिख देते हैं, a माइनस बी की पावर क्यूब का होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रेकेट में ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो 1000 की पावर हो जाएगा 3 और माइनस 2 की पावर हो जाएगा 3 माइनस 3 गुड़े 1000 और गुड़े हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2। अब ब्रेकेट में 1000 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे 1000 का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 0 को हम 3 बार लिख देंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आप गुणा करेंगे तो यही आएगा। 10 का गुणा करना बार बार आसान होता है। तो देखिए 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -8, यहाँ पे 3 2 6 यहाँ पे गुणा होगा तो हो जाएगा 6000 और गुणे 1000 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 998। अब हम इन सबका गुणा करके इसको जोड़ के फाइनल आंसर लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको ले देंगे 1 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर माइनस इसका गुणा करेंगे और माइनस 8 को इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 5 9 8 8 3 बार 0। अब इसको हम घटाएंगे इसमें से, तो घटाने पर जो हमारा आंसर आएगा 9401192 हमारा ही आंसर आ गया। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली न्यू वीडियो में, धन्यवाद।